विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, जन विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और जन विज्ञान के इस अंक में देखिए, साल भर फल देने वाली आम की नई किस्म सदाबहार। रेल की पटरियों पर पड़ी गंदगी को साफ करने के लिए तैयार किया गया एक विशेष वाहन और दीमापुर नागालैंड के ग्रासरूट इनोवेटर लानू एल जमीर ने बनाया इलेक्ट्रॉनिक लोड कंट्रोलर। यूं तो आम गर्मियों का फल होता है, लेकिन आम की एक ऐसी किस्म तैयार की गई है जिससे अब हर मौसम में ये आम का फल मिल सकेगा। इस किस्म का नाम दिया गया है सदाबहार। इसे तैयार किया है राजस्थान के कोटा निवासी एक किसान श्री कृष्ण सुमन ने। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इस किस्म पर अपनी मुहर लगा दी है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान के कोटा निवासी किसान श्री कृष्ण महज कक्षा 2 तक पढ़े हैं। वो पेशे से माली हैं। उनकी दिलचस्पी फूलों और फलों के बागान के प्रबंधन करने में रही है, जबकि उनका परिवार सिर्फ गेहूं और धान की खेती करता था। लेकिन उन्हें लगता था कि इससे गुजारा मुश्किल है। उन्होंने परिवार की आमदनी बढ़ाने के लिए फूलों की खेती शुरू की। उन्होंने पहले गुलाब के फूलों की खेती की और उन्हें बाजार में बेचा। इसके साथ ही उन्होंने आम के पेड़ लगाने शुरू किए। सन 2000 में उन्होंने अपने बागान में आम के एक ऐसे पेड़ को देखा जिसके बढ़ने की दर बहुत तेज थी, जिसकी पत्तियां गहरे हरे रंग की थी। उन्होंने देखा कि इस पेड़ में पूरे साल बौर आते हैं। यह देखने के बाद उन्होंने आम के पेड़ की 5 कलमें तैयार की। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया। इस किस्म को विकसित करने में उन्हें करीब 15 साल का समय लगा और इस बीच उन्होंने कलम से बने इन पौधों का संरक्षण और विकास किया। उन्होंने पाया कि कलम लगाने के बाद पेड़ में दूसरे ही साल से फल लगने शुरू हो गए। इस किस्म को उन्होंने नाम दिया सदाबहार। सदाबहार आम की और भी कई खूबियां हैं। यह स्वाद में लंगड़ा किस्म के आम की भांति अत्यधिक रसीला और मीठा है। इसके गूदे में रेशे बहुत कम होते हैं, जिससे इसमें रस ज्यादा होता है। इसका पेड़ छोटे आकार का होता है, जिसे किचन गार्डन में उगाया जा सकता है। कुछ समय तक इसे गमले में भी उगा सकते हैं तथा बाद में इसे जमीन में लगा सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय बागवानी संस्थान बेंगलुरु ने इस किस्म का मूल्यांकन किया और इसे उपयुक्त पाया है। अब इस किस्म का पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम तथा ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज NVPGR नई दिल्ली के तहत पंजीकरण कराने की प्रक्रिया चल रही है। आम के इस पौधे को राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन में भी लगाया गया है। सुमन को देश भर से सदाबहार आम के पौधों के 8000 से ज्यादा ऑर्डर मिल चुके हैं। वह आंध्र प्रदेश, गोवा, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और चंडीगढ़ को पौधों की आपूर्ति कर चुके हैं। वैसे तो देश में 1993 में ही हाथ से मानव मल उठाने और उसकी सफाई करने पर पाबंदी लगाई जा चुकी है, लेकिन अभी भी ऐसी महिलाओं और पुरुषों को रेल की पटरियों से झाड़ू और धातु की पत्तियों की मदद से मल हटाते देखा जा सकता है। बाद में पानी डालकर इन पटरियों को साफ किया जाता है। लेकिन अब रेल की पटरियों पर पड़ी इस गंदगी को साफ करने के लिए एक विशेष वाहन तैयार किया गया है। इससे अब पटरियों को मैनुअल तरीके से साफ किए जाने की जरूरत नहीं रहेगी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। वाहन
भोपाल स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शरद के प्रधान ने एक बहुआयामी रेलवे ट्रैक सफाई वाहन का विकास किया है। वाहन का विकास विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के तहत किया गया है। यह मेक इन इंडिया पहल भी है। वाहन को पेटेंट भी मिल चुका है। यह वाहन सूखे और गीले सक्शन सिस्टम, हवा एवं पानी की बौछार करने वाली नोजल नियंत्रण व्यवस्था से युक्त है। उपकरण बहुआयामी और आसानी से परिचालन करने योग्य है। इसमें एक डिस्प्ले यूनिट है जो बेहद चुनौतीपूर्ण माहौल में भी सफाई की व्यवस्था को नियंत्रित करती है। पटरियों की सफाई के लिए वाहन चालक के अलावा सिर्फ एक व्यक्ति की जरूरत होती है। वाहन की सक्शन प्रणाली द्वारा एक बार सूखा और गीला कचरा खींचने के बाद नोजल से पानी की बौछार होती है और जेट से गिरने वाले पानी की तेज धार किसी भी प्रकार के मानव मल अथवा अन्य प्रकार के कचरे को बहाकर साफ कर देती है। वाहन में लगी कुछ अन्य नोजल रेल पटरी पर कीटनाशकों का छिड़काव करती है ताकि उस पर मक्खियां, चूहे तथा अन्य कीटाणु नहीं पनप सके। सक्शन पंप से खींचा गया सूखा और गीला कचरा अलग अलग टैंकों में एकत्र होता है और टैंकों के पूरा भर जाने पर इसे स्थानीय निकायों के कचरा एकत्र करने वाले स्थान पर गिरा दिया जाता है। वाहन को रखरखाव और निरीक्षण वाहन तथा कीटनाशक स्प्रे करने वाले वाहन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जब यह वाहन सफाई के मोड में नहीं हो उस समय भारतीय रेल इसे परिवहन एवं निरीक्षण वाहन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकता है। इसके सफलतापूर्वक विकास और परीक्षण के बाद भारतीय रेल इसे सभी स्टेशनों पर सफाई वाहन के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। इस वाहन के रखरखाव की कीमत बहुत कम है। इसका आकार बहुत सुगठित है। यह आगे और पीछे दोनों तरफ चलाया जा सकता है। नागालैंड के दीमापुर निवासी 49 वर्षीय लानू एल जमीर इलेक्ट्रॉनिक पृष्ठभूमि के हैं तथा दीमापुर में अपना इंजीनियरिंग इनोवेशन सेंटर चलाते हैं। इस केंद्र के जरिए वे स्थानीय लोगों के दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों का समाधान तलाशते हैं और नए उपकरणों का निर्माण करते हैं। उन्होंने कई उपकरण तैयार किए हैं, लेकिन यहाँ हम एक ऐसे उपकरण इलेक्ट्रॉनिक लोड कंट्रोलर की बात कर रहे हैं जिसके निर्माण से स्थानीय ग्रामीणों को काफी फायदा हुआ है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कुछ साल पूर्व नागालैंड के दीमापुर निवासी 49 वर्षीय लानू एल जमीर ने जब इलेक्ट्रॉनिक लोड कंट्रोलर उपकरण तैयार किया तब नागालैंड के कई गांवों में बिजली नहीं थी। कई इलाके ऐसे थे जहां बिजली तो थी लेकिन बिजली की कटौती बहुत ज्यादा होती थी। ऐसे में ग्रामीणों को वैकल्पिक उपायों का सहारा लेना पड़ता था। इस क्षेत्र में पानी से बिजली तैयार करने का बेहद पुराना तरीका प्रचलित है जिसे हाइड्रोजन या वाटर मिल कहते हैं। सरल शब्दों में इसे पानी से चलने वाला जनरेटर भी कह सकते हैं। हाइड्रोजर को ऐसे स्थान पर लगाया जाता है जहां ऊंचाई से पानी गिर रहा हो। पानी को एक टरबाइन पर गिराया जाता है जिसके घूमने से बिजली पैदा होती है। एक हाइड्रोजर से 3 से 5 किलोवाट तक बिजली पैदा होती है तथा इसको आसपास के घरों में तारों के जरिए पहुंचाया जाता है। लेकिन इसमें एक बड़ी दिक्कत यह है कि इस बिजली के लोड को नियंत्रित करने की तकनीक नहीं थी जिससे यह घरेलू उपकरणों को नुकसान पहुँचाती थी। जमीर ने देखा कि इसके चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है तथा बिजली उपलब्ध होते हुए भी लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अथक प्रयासों के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक लोड कंट्रोलर तैयार किया जो बेहद किफायती है, जबकि बाजार में इस प्रकार के उपकरण बेहद महंगे थे जिन्हें लगा पाना ग्रामीणों के लिए बेहद मुश्किल था। जमीर का बनाया यह उपकरण बिजली के लोड को नियंत्रित करता है। यह लोड कंट्रोलर के साथ साथ एक स्टेबलाइजर का भी काम करता है, यानी जब वोल्टेज कम हो तो उसे बढ़ाता भी है और जब ज्यादा हो तो उसे नियंत्रित करता है। उन्होंने पहले 5 किलोवाट क्षमता तक का लोड कंट्रोलर विकसित किया तथा बाद में अलग अलग क्षमता के लोड कंट्रोलर बनाए जिनमें अधिकतम 100 किलोवाट की क्षमता का भी शामिल है। स्थानीय लोगों ने हाइड्रोजर से पैदा बिजली के वितरण के लिए बड़े पैमाने पर इस लोड कंट्रोलर का इस्तेमाल शुरू किया है। राज्य की बिजली वितरण कंपनी ने भी इस लोड कंट्रोलर की जांच की और इसे उपयुक्त पाया। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने भी जमीर के लोड कंट्रोलर को नवाचार पूर्ण उत्पाद माना तथा 2019 में कॉन्सिलेशन श्रेणी में नेशनल इनोवेशन पुरस्कार प्रदान किया।
जन विज्ञान के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध, विज्ञान प्रौद्योगिकी आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। एक और गुजारिश, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस अब फेसबुक ट्विटर यूट्यूब लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है feedback@indiascience.in। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे जन विज्ञान के एक और रोचक अंक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।